जादुई बांसुरी। सोनू अपने दादाजी के साथ रहता था। सोनू और दादाजी में बहुत प्रेम भी था। एक दिन सोनू को दादाजी के सामान से एक बांसुरी मिलती है। वो दादाजी से पूछता है, दादाजी ये बांसुरी किसकी है? बेटा ये बांसुरी मेरी ही है, जब मथुरा गया था ना तब लाया था। अच्छा, क्या आपको बांसुरी बजानी भी आती है? हाँ बेटा, मुझे बांसुरी बजानी आती है। तो मुझे भी सुनना है दादाजी कि आप कैसे बजाते हो, मुझे भी सीखना है। हाँ बेटा क्यों नहीं, मैं तुमको सिखाऊंगा। सोनू दादाजी से रोज बांसुरी बजाना सीखता है। एक महीने में सोनू बहुत अच्छी बांसुरी बजाना सीख जाता है। एक दिन दादाजी अचानक बीमार हो जाते हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। दादाजी 15 दिनों तक अस्पताल में ही भर्ती रहते हैं। सोनू के पापा कहते हैं कि दादाजी को कोई बड़ी बीमारी हो गई है और अब शायद वो कुछ दिनों तक ही जीवित रह सकेंगे। जब तक दादाजी अस्पताल में रहते हैं, उस समय दादाजी सोनू से कहते हैं कि क्या तुम मुझे बांसुरी बजाकर सुनाओगे? जी दादाजी क्यों नहीं। और सोनू उनको बांसुरी बजाकर सुनाता है। बांसुरी की धुन बहुत ही आनंदमयी थी और वो दादाजी के दिल को छू गई। ऐसा लगता है जैसे भगवान कृष्ण खुद बांसुरी बजा रहे हों। ऐसा सुनकर सोनू भी बहुत खुश होता है। एक दिन सोनू ने डॉक्टर को पिताजी से बात करते हुए सुना, आप इनको घर ले जाइए क्योंकि अब ये सिर्फ 1 महीने के मेहमान हैं। घर ले जाकर सेवा करिए। ये सुनकर सोनू के पैरों के नीचे से तो जैसे जमीन निकल जाती है। पापा दादाजी को घर ले आए और कमरे में लिटा दिया। अब सोनू उनकी बहुत सेवा किया करता था, उनको खाना खिलाता था, दवाई देता था और रोज उनको बांसुरी भी सुनाता था। धीरे धीरे दादाजी की तबीयत सुधरने लगी। सब आश्चर्य में पड़ गए कि डॉक्टर तो बोल रहे थे कि उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। डॉक्टर भी चकित रह गए कि ये क्या हो रहा है, जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं वो बीमारी बिना इलाज के अपने आप ठीक कैसे हो रही है। ये इस बांसुरी का जादू है, ये दादाजी मथुरा से लाए थे, इसी ने दादाजी को ठीक किया है। किसी ने भी सोनू की बात पर ध्यान नहीं दिया, पर सबको बहुत आश्चर्य था कि आखिर हुआ कैसे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, सब इस बात को भूल गए, दादाजी भी पूरी तरह ठीक हो चुके थे। एक दिन दादाजी शाम को सैर के लिए निकले, उन्होंने देखा कि सोनू बांसुरी बजा रहा है और बहुत सारे बीमार लोग उसके पास बैठे हैं। वो सोनू के पास गए और पूछा कि ये क्या हो रहा है? दादाजी ये सभी आपकी तरह बीमार थे और डॉक्टर ने इन सबको मना कर दिया था, पर इस बीमारी ने इन सबको ठीक कर दिया। दादाजी ने घर जाकर सबको ये बात बताई तो सब खुश तो हुए पर थोड़ा चिंतित भी हुए कि ये सब कैसे हो रहा है। सोनू के पापा ने डॉक्टर को बुलाया और सारी बात बताई। डॉक्टर ने इस बात को गंभीरता से लिया और उन सारे मरीजों की जांच करवाई। सचमुच सबकी बीमारी में सुधार था। इसका पता लगाया गया तो पाया गया कि म्यूजिक थेरेपी के कारण सब ठीक हो रहे थे, जिसे सोनू जादू समझ रहा था वो एक थेरेपी थी। सोनू को भी समझाया गया कि ये कोई जादू नहीं था। कभी कभी हम जाने अनजाने में ऐसे काम कर देते हैं जिसके बारे में हमें खुद को नहीं पता होता और उन घटनाओं को हम जादू का नाम दे देते हैं, जैसे इस कहानी में सोनू के साथ हुआ। लेकिन सोनू समझदार बच्चा था, उसको समझाया तो वो समझ गया। लेकिन सोनू के इस व्यवहार से सोनू के परिवार वाले और जो लोग उसकी वजह से ठीक हुए वे बहुत खुश थे कि सोनू की वजह से ऐसा हुआ। जादू सिर्फ हमारे दिमाग में होता है, ना कि ऐसा कुछ चमत्कार होता है। रिया कॉलेज में पढ़ने वाली एक सीधी सादी लड़की थी। सुबह से कॉलेज जाना और वहाँ से घर आकर घर के काम में माँ का हाथ बटाना, बस यही उसकी दिनचर्या थी।
रिया के कुछ खास दोस्त नहीं थे। वो हर समय अपने में ही खोई रहती थी, ना किसी से ज्यादा बातचीत करना और ना ही दूसरों से कुछ खास मतलब। वो तो बस मुंह लटकाए दिन भर घूमती रहती थी। रिया, ओ रिया, जल्दी करो बेटा, नहीं तो बस छूट जाएगी। हाँ माँ, बस 2 मिनट। रिया जल्दी से तैयार होती है और बस स्टॉप की ओर निकल जाती है। थोड़ी देर में वहाँ एक बस आकर रुक गई और रिया उसमें चढ़ गई। अरे रिया, तुम रिया ही हो ना? रिया के पीछे वाली सीट पर बैठा एक लड़का बोला। रिया अभी भी बस में खड़ी हुई है। रिया ने पीछे मुड़कर देखा और उसके चेहरे में अचानक से मुस्कुराहट छा गई। सुमित? हाँ, आओ यहाँ बैठ जाओ। रिया सुमित के साथ वाली सीट पर जाकर बैठ गई और दोनों बातें करने लगे। सुमित और रिया बचपन से एक ही स्कूल में पढ़े थे और काफी अच्छे दोस्त थे, लेकिन स्कूल के बाद सुमित दूसरे शहर चला गया और रिया यहीं रह गई। तुम तो भोपाल चले गए थे ना, फिर यहाँ कैसे? हाँ यार, गया तो था, लेकिन पापा की मदद करने के लिए वापस घर लौटना पड़ा। अब मैं यहीं पर एक जॉब करता हूँ। अच्छा? रिया ने अपना मुंह खिड़की की तरफ कर लिया, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कुराहट तो जैसे जा ही नहीं रही थी। सुमित भी शांत बैठ गया। थोड़ी देर की खामोशी के बाद रिया ने बोला, पूछो कि नहीं हम क्या करते हैं? पूछने ही वाला था, लेकिन मुझे लगा कि तुम्हें बात नहीं करनी। हम यहीं के कॉलेज में पढ़ते हैं, तुम कॉलेज वगैरह नहीं जाते? नहीं यार, जॉब के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ी। इतने में सुमित का बस स्टॉप आ गया। चलो रिया, फिर मिलते हैं, मेरा ऑफिस तो आ गया, बाय। रिया ने हाँ में सर हिलाया और सुमित के जाने के बाद एक बार फिर से उदास हो गई। अब तो सुमित और रिया की मुलाकात रोज होने लगी थी। सुमित के ऑफिस और रिया के कॉलेज का रास्ता एक ही था और वहाँ तक जाने वाली बस भी एक ही थी। दोनों रोज ही एक साथ बैठते और ढेर सारी बातें करते। अच्छा, तुम्हें याद है जब स्कूल में तुम्हें प्रिंसिपल से जोरदार डांट पड़ी थी? हाँ, अब तो वो पुरानी बातें हैं। रिया के चेहरे की मुस्कुराहट साफ बयां कर रही थी कि सुमित के साथ समय बिताना उसे बहुत पसंद था। वो बचपन से ही सुमित को पसंद करती थी, लेकिन कभी अपने दिल की बात नहीं कह सकी। समय ऐसे ही गुजरता जा रहा था। बस स्टॉप पर खड़ी रिया के लिए तो दूर से आती वो बस नई जिंदगी लेकर आई थी। वो दिन भर उन कुछ पलों का इंतजार किया करती थी जब उस जादुई बस में सुमित के साथ बातें कर सकेगी। हाँ, शायद ये बस का ही जादू था जिसने रिया के चेहरे पर एक बार फिर से मुस्कुराहट ला दी थी। सुमित का जन्मदिन आने वाला था। रिया ने सोचा कि वो उसी दिन सुमित को अपने दिल की बात कहेगी। रिया ने सुमित के लिए तोहफा खरीदा और एक लेटर लिखा जिस पर उसने सारी बात साफ साफ लिख दी। सुमित के जन्मदिन का दिन। आज बस स्टॉप पर बस का वो इंतजार रिया के लिए कुछ ज्यादा ही लंबा महसूस हो रहा था। आखिरकार बस आ गई और रिया बड़ी ही खुशी से बस में चढ़ी। बस में चढ़ते ही वो सुमित को ढूंढने लगी, लेकिन उसे सुमित कहीं नहीं मिला। शायद आज सुमित ऑफिस नहीं आया था। रिया के सारे सपने चूर चूर हो गए। उसने तो ना जाने क्या क्या सोच रखा था। उसने उस तोहफे को वहीं फेंक दिया और रोती हुई बस से उतर गई। तोहफा बस के उसी कोने में पड़ा हुआ था। सभी यात्री बस से उतर गए। ड्राइवर ने वो तोहफा उठा लिया और अपने पास रख लिया। जैसे ही वो फिर से बस चलाने बैठा, उसके हाथ खुद ब खुद ही चलने लगे। ऐसा लग रहा था मानो बस खुद चलकर कहीं जा रही थी। डर के मारे ड्राइवर बस से छलांग मारकर भाग गया। बस चलते चलते सुमित के घर पहुंच गई और वहीं रुक गई। बस का हॉर्न जोर जोर से बजने लगा। सुमित घर से बाहर निकला। अरे, ये तो वही बस है जिसमें मैं रोज ऑफिस जाता हूँ। बस में कोई ड्राइवर ना देखकर सुमित बस में चढ़ा और बस का हॉर्न बंद करने की कोशिश करने लगा। अचानक उसकी नजर पास रखे उस तोहफे पर गई। तोहफे पर रिया का नाम पढ़कर उसने उसे उठा लिया और उसके साथ चिपका लेटर पढ़ने लगा। लेटर पढ़कर सुमित की आंखों में आंसू आ गए। वो अभी तक रिया के दिल की बात समझ नहीं सका था। उसने तुरंत रिया को फोन लगाया और सारी बात उसे बताई। सुमित की बात सुनकर रिया की आंखों में से भी आंसू गिरने लगे। बस के जादू ने रिया और सुमित को हमेशा के लिए मिला दिया। सच में ये प्रेम कहानी तो जादुई बस ने ही लिखी थी।